जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों के खराब दिन अब खत्म होने वाले हैं। पिछले 3 महीने से प्याज के गिरते दाम की वजह से संकट में फंसे किसानों के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादन संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोला का कहना है कि 2 जुलाई से बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सकता है। ऐसा हुआ तो किसानों को अच्छा दाम मिलने लगेगा। क्वालिटी के हिसाब से 2 से 4 रुपये प्रति किलो तक दाम में इजाफा हो सकता है। अभी ज़्यादातर मंडियों में किसानों को प्याज का दाम न्यूनतम दाम 1 से 5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि लागत इससे कहीं बहुत अधिक है। इस वजह से किसान परेशान है। जिन किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा है उन्होंने प्याज का स्टॉक कर लिया है। ऐसे किसानों को अच्छा दाम मिलने की संभावना है। वहीं एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर दाम में इजाफा होगा। जिन किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है वो बारिश को देखते हुए फटाफट प्याज बेच देना उन्हें चाहते हैं। वहीं इस मजबूरी का फायदा व्यापारी उठा रहे हैं और कम दाम दे रहे हैं। दिगोला का कहना है कि सिर्फ 10% किसानों के पास ही स्टोरेज की सुविधा है। वहीं दिगोला ने बताया कि प्याज एक्सपोर्ट होने की खबर से किसानों को कुछ राहत मिली है। बांग्लादेश ने भारत से प्याज आयात की अनुमति दे दी है। पिछले 3 महीनों से बांग्लादेश ने भारतीय प्याज के आयात को रोक दिया था। संगठन ने अब राज्य के प्याज उत्पादकों से अपील की है कि किसान ध्यान रखें कि एक ही समय में बाजार में अधिक प्याज की आवक ना हो। आवक कम होगी तो व्यापारियों के पर दाम बढ़ने का जो दबाव है वो बढ़ेगा। इसलिए जितना हो सके प्याज को रोक कर रखें, उच्च गुणवत्ता वाले प्याज का चयन करें और अपने प्याज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंडी ले जाएं। वहीं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट और कम आवक की वजह से दाम में वृद्धि होगी। वहीं एक्सपोर्ट से किसान कितना लाभ होगा ये भी जानना महत्वपूर्ण है। भारत प्याज का बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। महाराष्ट्र करीब 40% प्याज अकेले पैदा करता है, इसलिए दाम पर उतार चढ़ाव का सबसे ज़्यादा असर यहीं के किसानों पर देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ के किसान एक्सपोर्ट से काफ़ी उम्मीद पाले हुए हैं। वहीं दिगोला ने बताया कि बांग्लादेश ने प्याज की मांग की है, हालांकि अभी वो भारत के फैसले के इंतज़ार कर रहे हैं। इस निर्यात से यकीनन किसानों को प्याज की कीमतों में 2 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में जब प्याज के दामों में भारी गिरावट हो तो 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि बहुत राहत देगी, साथ में व्यापारियों पर दबाव बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।